मारवाड़ी में डी आप देख रहे हैं। आज है 6 जनवरी 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि दशमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अम्बानी को पछाड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और आपको बता दूं, गौतम अडानी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 12 में शामिल हो गए हैं, वहीं अंबानी 13वें स्थान के साथ सिर्फ एक पायदान नीचे हैं। कई बार सवाल भी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो यह जानकारी आपको याद रखना चाहिए। और वैसे आपको यह भी बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। गृह विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद अपने रखा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त मंत्री के साथ 6 विभाग दिए हैं, वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को परिवहन के साथ 4 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा को कृषि और ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और जन अभाव अभियोग विभाग दिया है। मदन दिलावर को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बाबूलाल खराड़ी को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। गजेंद्र सिंह खींवसर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग दिया गया है। ओटाराम देवासी को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग दिया गया है। और मंजू बागमार को सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग दिए गए हैं। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसको कौन कौन से विभाग मिले। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मंत्रियों को विभाग मिलते ही भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना में कई खामियां थी, अब योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया है। दरअसल आपको बता दूं, पीएम मोदी 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर है। पीएम मोदी ने दौरे के पहले दिन भाजपा विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, जयपुर 3 दिन के हाई अलर्ट पर है, क्योंकि यहां पर डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। अमित शाह है, अजीत डोभाल और पीएम मोदी जयपुर में मौजूद है। आपको बता दूं, देश में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस जयपुर में शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बीकानेर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9 जनवरी तक छुट्टी करने का आदेश कलेक्टर जारी कर सकते हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने एक प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर को भेज दिया है। आपको बता दूं, इससे पहले सीकर और जयपुर में भी 8वीं तक के बच्चों की 15 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी थी और अब प्रदेश के बाकी जिलों में भी छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत भयानक सर्दी की चपेट में है। राजस्थान के कई जिले शीतलहर के साथ कोहरे की आगोश में है। आज भी राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। और सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, मौसम विभाग के अनुसार कल यानी कि 7 जनवरी से 9 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। कल झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और 8 जनवरी को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर समेत अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी है। हो सकता है 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर जाए। और 9 जनवरी को अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, यहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। यहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन कई स्थानों पर बारिश नहीं होगी, लेकिन ठंड जरूर बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर में 22 जनवरी को मांस और शराब की दुकानें बंद रह सकती है। दरअसल अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। ऐसे में राजधानी जयपुर में भी 22 जनवरी की तैयारियां तेज हो गई है। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि इस दौरान शहर की सभी मांस और शराब की दुकानें बंद रहेगी। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक आदेश तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 22 जनवरी को जयपुर में शराब की दुकानें बंद रह सकती है और जल्द इसको लेकर आदेश भी जारी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है, सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।
दावा किया जा रहा है कि जल्द ही 50,000 रुपए की किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन सहारा पोर्टल पर देखने को मिलेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था और अभी तक आपके पैसे नहीं मिल पाए हैं, आपके लिए खुशखबरी यह है। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सहारा ग्रुप के पैसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। वैसे खबर तो यह भी है, सरकार अभी छोटे अमाउंट के निवेशकों को पैसे लौटा रही है, जबकि बड़े अमाउंट का भुगतान भी सरकार जल्द शुरू कर सकती है। फिलहाल सरकार के पास 5,000 करोड़ रुपए हैं, यह खत्म हो जाने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से और पैसों की मांग करेगी। वैसे आपको बता दूं, पहली किस्त में कई लोगों के पैसे आ चुके हैं और संभावना है कि दूसरी किस्त को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इसकी तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। बड़ी खबर यह है, जिन लोगों के सहारा में पैसे डूबे थे उनको वापस लौटाने के लिए सरकार पूरी कोशिश में लगी है। इसको लेकर मैं कभी आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है, अगर किसी कारणवश राशन कार्ड में परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम हट गया है तो अब जिला रसद विभाग द्वारा उन नामों को राशन कार्ड में वापस जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। दरअसल ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम रसद विभाग के डीलरों ने सत्यापन नहीं करवाने के कारण राशन कार्ड से हटा दिया था। अब एक बार फिर प्रदेश में राशन कार्ड की जन आधार मैपिंग होगी और लाभार्थियों की उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से जन आधार मैपिंग होगी। और बताया जा रहा है जन आधार मैपिंग उज्ज्वला योजना के लाभ के लिए भी अनिवार्य होगी। इस राशन कार्ड के नए अपडेट को लेकर भी मैं आपको अलग से एक नया वीडियो देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल है यह नई अपडेट किन लोगों के लिए है। जल्द इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, उसमें इस पूरी अपडेट को आसान भाषा में समझेंगे। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।